Friends, this is another session of electromagnetic field theory in which we will discuss about Maxwell's equations. दोस्तों, electromagnetic field theory का ये हमारा next lecture है, जिसमें हम Maxwell समीकरण के बारे में detail में study करेंगे. In this lecture, we will discuss about Maxwell's equations for vacuum. Maxwell's equations for material media and physical significance of Maxwell's equations. तो हम हमारे इस लेक्चर में निर्वात के लिए मैक्सवेल समीकरण, किसी माध्यम के लिए मैक्सवेल समीकरण तथा मैक्सवेल समीकरण के भौतिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर वैक्यूम. तो सबसे पहले निर्वात के लिए मैक्सवेल समीकरण. दीज इक्वेशंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ये समीकरण विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का आधार है. दीज इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हैव द सेम इंपॉर्टेंस एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स. इन समीकरणों का विद्युत चुंबकीय में वही महत्व है जो कि यांत्रिकी में न्यूटन के गति के नियमों का होता है. मैक्सवेल्स इक्वेशंस जनरेट द वेव इक्वेशंस दैट प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट विथ द स्पीड ऑफ लाइट. मैक्सवेल समीकरण तरंग समीकरण जनरेट करती है जो कि निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती हैं. सो मैक्सवेल्स इक्वेशंस जनरेट द वेव इक्वेशंस दैट प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट विथ द स्पीड ऑफ लाइट. मैक्सवेल समीकरण तरंग समीकरण को जनरेट करती है या उत्पन्न करती है, जो यह दर्शाती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के चाल से संचरित होती हैं. देयर आर फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस. फर्स्ट इज गॉसेज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सेकेंड गॉसेज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स. थर्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड फोर्थ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ. तो मैक्सवेल के चार समीकरण हैं, जिनमें से पहला स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम कहलाता है. सेकंड स्थिर चुंबकीय में गॉस का नियम है. थर्ड फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है तथा फोर्थ एम्पियर का संशोधित नियम है. तो मैक्सवेल ने गॉस के स्थिर विद्युतिकी के नियम को, गॉस के स्थिर चुंबकीय के नियम को, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को तथा एम्पियर के नियम को केवल कलेक्ट किया था या इकट्ठा किया था.
तो मेनली उसने जो काम किया है वो फोर्थ इक्वेशन पर है, जो कि हमारा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है। बाकी केवल उसने गॉस के नियम और फैराडे के नियम को एक साथ में लेकर आया है और कुछ भी नहीं किया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम। अब गॉसेस लॉ हमने क्लास 12 से पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो गॉस के स्थिर विद्युतिकी के नियमानुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिपथ आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो हमारे पास में कोई क्लोज सरफेस है, कोई बंद सतह है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा, जितना भी आवेश होगा, उस चार्ज का हम सम लेंगे या जोड़ देंगे, और अगर उस कुल आवेश को हम ε0 से भाग दें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उस बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर होगी। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब ये जो ε0 है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। इफ रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यदि रो आयतन आवेश घनत्व हो तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से phi means इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, सो phi इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। अब Q की वैल्यू ये है, तो क्योंकि ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, सो phi हो जाएगा 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से phi इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। ये जो E है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई विद्युत क्षेत्र है। तो phi की जगह हम सरफेस इंटीग्रेशन E.ds रख देते हैं। तो ये वैल्यू आप यहां पर रखो, सो सरफेस इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। अब ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी। नाउ फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम, तो डाइवर्जेंस के प्रमेय से हम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, पृष्ठ समाकलन को हम आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल
डॉट ई डीवी। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ई डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो बाय एप्सिलॉन डॉट डीवी। अब यहां पर भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन और इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो कैंसिल हो जाएगा। सो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट, एंड डेल डॉट ई को चाहे तो हम डाइवर्जेंस ई लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आई है दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, तो गॉस नियम का अवकलन रूप डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। सिंस डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई और डी का मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विद्युत विस्थापन सदिश, तो इप्सिलॉन नॉट ई की जगह हम डी लिख देते हैं। सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, और या फिर इसको हम डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो लिख सकते हैं। एंड ये जो इक्वेशन आई है दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, तो ये समीकरण मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। नाउ गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्थिर चुंबकीय में गॉस का नियम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव जीरो होता है। सो फाई डी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। फाई बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स, और ये जो बी है दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन, तो बी हमारा चुंबकीय प्रेरण है। सो फाई बी इक्वल टू जीरो, और फाई की डेफिनेशन से हमने सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस लिख दिया है। सो सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस इज इक्वल टू जीरो। नाउ बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके हमने सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज किया है। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट बी डीवी इक्वल टू जीरो, और अगर इसको सॉल्व करते हो तो आ जाएगा डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो और डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन इज नोन एज मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, यह समीकरण मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहलाता है। दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज अ सोलेनोइडल फील्ड, यह समीकरण यह दर्शाता है कि चुंबकीय प्रेरण परिनालिकीय क्षेत्र होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज अ सोलेनोइडल
फील्ड, चुंबकीय प्रेरण परिनालिकीय क्षेत्र है। ऑल्सो द फ्लक्स लीविंग द एलिमेंट इज सेम एज एंटरिंग इन द फील्ड। इस समीकरण के अनुसार किसी तत्व से बाहर निकलने वाला फ्लक्स का मान उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले फ्लक्स के बराबर होगा और द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन डू नॉट एग्जिस्ट। अब जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही वापस अंदर प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब चुंबकीय प्रेरण का कोई स्रोत एग्जिस्ट नहीं करता है और नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट और मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इट मींस मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कहने का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म के रूप में होंगे। तो अगर नॉर्थ पोल होगा तो डेफिनेटली वहां पर साउथ पोल भी होगा और साउथ पोल अगर है तो वहां पर नॉर्थ पोल का एग्जिस्टेंस भी होगा। तो केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल नहीं हो सकता है। नाउ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी और E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कॉन्स्टेंट आएगा। यहां पर कॉन्स्टेंट हमने वन मान लिया है और ये जो नेगेटिव साइन है दिस इज ड्यू टू लेंज लॉ। ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम के कारण है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के टर्म्स में निकालोगे तो E इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन E डॉट डीएल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन से फाइ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। तो फाइ बी की जगह ये रख दो और ई की जगह आप ये रख दो। तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर रख देता हूं। सो लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, स्टोक के प्रमेय से। अब स्टोक्स थ्योरम यूज करके हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं।
तो रेखीय समाकलन को अगर पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करना है तो हम स्टोक का प्रमेय काम में लेते हैं। सो लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। तो इसकी जगह हम ये रख देते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन डेल बाई डेल टी ऑफ बी डॉट डी एस। अब यहां पर भी सरफेस इंटीग्रेशन और यहां पर भी सरफेस इंटीग्रेशन दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं। सो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी और कर्ल इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और ये जो इक्वेशन आया है दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। यह समीकरण फैराडे नियम का अवकलन रूप कहलाता है। एंड दिस इज आवर मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो मैक्सवेल का तृतीय समीकरण हमारा यही है। नाउ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम का संशोधित रूप। अब एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस बाउंडिंग द क्लोज्ड पाथ। तो एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद पथ में चुंबकीय प्रेरण का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा के म्यू जीरो गुणा के बराबर होता है। एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। सो लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट करंट आई इज सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। परंतु वास्तव में कुल धारा चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग के बराबर होती है। तो ये जो आई है इस आई को हम आईसी प्लस आईडी से रिप्लेस करेंगे। जबकि एम्पियर में केवल आईसी का कॉन्सेप्ट लिया था उसके अकॉर्डिंग कुल धारा हमारी चालन धारा ही थी। तो मैक्सवेल ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आई हमारा आईसी प्लस आईडी होता है। सो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। नाउ आईसी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। जे मीन्स करंट डेंसिटी धारा घनत्व। तो ये जो जे है ये एक्चुअल में जेसी है कंडक्शन करंट डेंसिटी या चालन धारा घनत्व है। पर कन्वीनियंसी के लिए हमने यहां पर केवल जे लिखा है।
दिस जे इज एक्चुअली जे सी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा आई डी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे डी डॉट डी एफ. तो आई सी की जगह हम सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस लिखते हैं एंड आई डी की जगह सरफेस इंटीग्रेशन जे डी डॉट डी एस लिखते हैं. एंड फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम के प्रयोग से बी डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट डी एस. तो आई सी को आप इससे रिप्लेस कर दो, आई डी को इससे रिप्लेस करो एंड बी डॉट डी एल को आप इससे रिप्लेस करो. सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन जे प्लस जे डी डॉट डी एस. अब यहां पर भी सरफेस इंटीग्रेशन एंड यहां पर भी सरफेस इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ हमारा पृष्ठ समाकलन है, तो दोनों साइड से हम सरफेस इंटीग्रेशन को हटा देते हैं. सो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी एंड डेल क्रॉस बी को हम कर्ल बी लिख सकते हैं. सो कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी. अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, अब इस इक्वेशन में दोनों साइड में हम डाइवर्जेंस लेते हैं. सो डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस जे डी एंड डेल डॉट डेल क्रॉस बी इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी. बट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज जीरो. यदि किसी सदिश राशि का हम कर्ल लें और बाद में उसका डाइवर्जेंस लें तो उसकी वैल्यू जीरो होती है. सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी विल बी जीरो बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो. तो इसको जीरो कर दो. सो जीरो इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस जे डी और ये हो जाएगा डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी इक्वल टू जीरो और डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे. बट फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन संतृप्त समीकरण से डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी एंड फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से डेल डॉट डी इक्वल टू रो. तो ये जो रो है इसकी जगह हम डेल डॉट डी लिख देते हैं. सो डेल डॉट जे आ जाएगा माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ डेल डॉट डी. सो डाइवर्जेंस जे इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस डी. अब डाइवर्जेंस हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है. इसका मतलब इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ माइनस
डेल डी बाई डेल टी लिख सकते हैं, इस डेल डॉट जे को यहां पर रख देते हैं तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल डॉट डेल डी बाई डेल टी, मीन्स डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी बाई डेल टी। अब यहां पर भी डाइवर्जेंस और यहां पर भी डाइवर्जेंस, दोनों साइड से डाइवर्जेंस कैंसिल हो जाएगा। सो जे डी इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो विद्युत विस्थापन सदिश का समय के सापेक्ष अवकलन विस्थापन धारा घनत्व के बराबर होता है। अब एक इक्वेशन हमने ये निकाली हुई है और अभी हमने निकाला था JD इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। तो JD की जगह हम डेल डी बाई डेल टी यहां पर रख देते हैं। सो डेल क्रॉस B इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस डेल डी बाई डेल टी। और ये जो इक्वेशन है दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, यह समीकरण एम्पियर के नियम का संशोधित रूप है एंड इट इज नोन एज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। यह समीकरण मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहलाता है। नाउ समरी, देर आर फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल की चार समीकरण हैं, उन चारों इक्वेशन को हम एक साथ में ले लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन जीरो, हम वैक्यूम या निर्वात की बात कर रहे हैं। सिंस डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई, तो इप्सिलॉन जीरो को यहां पर लेके जाओगे तो इप्सिलॉन जीरो ई हो जाएगा, जिसको हम डी लिख सकते हैं। सो डेल डॉट डी इक्वल टू रो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, सिंस बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, तो बी की जगह हम म्यू जीरो एच लिख देते हैं। तो डेल डॉट म्यू नॉट एच इक्वल टू जीरो, और म्यू नॉट को हम जीरो के नीचे ले जाते हैं, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो। दिस इज मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, बट बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। सो डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी। फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, एंड बी को अगर हम म्यू नॉट एच लिखें तो म्यू नॉट एंड म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो हमारे मैक्सवेल की फोर इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। नाउ मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर मटेरियल मीडिया, किसी
माध्यम के लिए मैक्सवेल की समीकरण, अभी हमने वैक्यूम के लिए मैक्सवेल इक्वेशन ली थी, अब किसी मीडियम के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन लेते हैं। फॉर डायलेक्ट्रिक मीडियम इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इप्सिलॉन, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू, सिग्मा इक्वल टू जीरो, एंड इफ देयर इज नो चार्ज देन रो इक्वल टू जीरो। किसी परावैद्युत माध्यम के लिए इप्सिलॉन जीरो को हम इप्सिलॉन लिखते हैं, म्यू जीरो को हम म्यू लिखेंगे, एंड कंडक्टिविटी या चालकता हमारी जीरो होगी, और अगर कोई आवेश नहीं है तो उस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व जीरो होगा, तो रो इक्वल टू जीरो। नाउ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब रो हमारा जीरो है, सो डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो एंड डी इक्वल टू इप्सिलॉन ई, क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो माध्यम के लिए डी इक्वल टू इप्सिलॉन ई होगा, तो ई की जगह हम डी बाई इप्सिलॉन रख देते हैं, तो इप्सिलॉन हमारा जीरो के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डेल डॉट डी इक्वल टू जीरो। सो मेटेरियल मीडियम के लिए या माध्यम के लिए मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो और डेल डॉट डी इक्वल टू जीरो। नाउ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, बट बी इक्वल टू म्यू एच, तो बी की जगह हम म्यू एच रख देते हैं, तो म्यू हमारा जीरो के नीचे आ जाएगा, सो डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो। ये हमारी मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और हमने कहा है बी इक्वल टू म्यू एच, तो बी की जगह हम म्यू एच रख देते हैं, सो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन हमारी थी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, एंड बी की जगह हम म्यू एच रख देते हैं, तो जैसे इसकी जगह म्यू एच रखोगे म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, एंड जे हमारा सिग्मा ई है, और हमने कहा है सिग्मा हमारा जीरो है, इसका मतलब ये जे हमारा जीरो हो जाएगा, तो बी की जगह हमने म्यू एच रखा था, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया था, एंड जे हमारा जीरो हो गया है, सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू एक तो हमारा म्यू डेल डी बाई डेल टी, और एच की टर्म्स में डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। सो दीज आर फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर मेटेरियल मीडिया। तो किसी माध्यम के लिए या किसी परावैद्युत माध्यम के लिए मैक्सवेल की चारों समीकरण हमारे इस रूप में होंगी।
नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल समीकरणों के भौतिक महत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्थिर अवस्था के लिए डायवर्जेंस d इक्वल टू रो, ये हमारा मैक्सवेल का इक्वेशन था। डेल डॉट d इक्वल टू रो या डायवर्जेंस d इक्वल टू रो, दिस इज एक्चुअली गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यह वास्तव में स्थिर विद्युतकी के लिए गॉस का नियम है। फॉर फ्री स्पेस, मुक्त आकाश के लिए d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e। अगर फ्री स्पेस नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन रखेंगे। फॉर फ्री स्पेस या मुक्त आकाश के लिए d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e, तो d को हमने एप्सिलॉन नॉट e से रिप्लेस कर दिया है। सो डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट e इक्वल्स टू रो। अब एप्सिलॉन नॉट को हम रो के नीचे भेज देते हैं। सो डेल डॉट e इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, आयतन समाकलन ले लेते हैं। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो आयतन आवेश घनत्व है। इट मींस वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी इज इक्वल टू क्यू। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी हमारा टोटल चार्ज या कुल आवेश Q होगा, तो इसको हम Q से रिप्लेस कर देते हैं। और ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है इसको डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके हम सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, और ये हमने Q रख दिया है। सो सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन इप्सलन जीरो। ये अभी हमने इक्वेशन निकाली है। अब ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds वास्तव में हमारा विद्युत फ्लक्स होता है। सो इट इज गॉसेस लॉ, यह वास्तव में गॉस का नियम है, अकॉर्डिंग टू विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिपत्र कुल आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुणा होता है। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हमको वास्तव में गॉस का नियम प्रदान करता है, और गॉस का नियम हमारा ये है। इफ देर इज अ डाइलेक्ट्रिक, यदि एक परावैद्युत माध्यम हो, अभी हमने वैक्यूम की या निर्वात की बात की है, देन सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू।
एंड डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी. हियर पी इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. यहां पी प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण है. सो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज आवर पी. प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण पी है. फॉर लीनियर होमोजीनियस मीडियम, रेखीय समदैशिक माध्यम के लिए P इक्वल टू काई ई एंड काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. तो काई हमारा विद्युत प्रवृत्ति है. काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. काई विद्युत प्रवृत्ति है. तो ये जो P की वैल्यू है अगर हम यहां पर रख दें तो D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस काई ई. अब यहां से आप ई कॉमन ले लो सो डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस काई इंटू ई एंड दिस इज एप्सिलॉन ई. इसका मतलब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट प्लस काई. सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस काई. नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन. मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का भौतिक महत्व. फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्थिर अवस्था के लिए मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन हमारा है डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो था. इट इज बेसिकली अ रीस्टेटमेंट ऑफ गॉसेज लॉ इन मैग्नेटिज्म. यह वास्तव में चुंबकीकी में गॉस के नियम का परिवर्तित कथन है. अब दोनों साइड में हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लिया है तो जीरो का वॉल्यूम इंटीग्रेशन जीरो ही है. सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट बी dv इक्वल टू जीरो. नाउ बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम वी कन्वर्ट दिस वॉल्यूम इंटीग्रेशन इनटू सरफेस इंटीग्रेशन. सो सरफेस इंटीग्रेशन b डॉट ds इक्वल टू जीरो. तो डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने इस आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में चेंज कर दिया है. अब ये इक्वेशन क्या बताता है? B डॉट ds का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो. किसी बंद पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स सदैव जीरो होता है, क्योंकि यहां पर हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिया है. इट मींस द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है और मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स. या चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म के रूप में होते हैं. तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव सदैव साथ में एग्जिस्ट करेंगे,
केवल उत्तरी ध्रुव या केवल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, जबकि विद्युत एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव है, क्योंकि केवल पॉजिटिव चार्ज या केवल नेगेटिव चार्ज हम किसी भी डेरिवेशन को डिराइव करते टाइम लेते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होंगी। नाउ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द टाइम वेरिंग फील्ड इज डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इस समीकरण के अनुसार समय परिवर्तित क्षेत्र होगा डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। एंड बी इक्वल टू म्यू एच, सो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। इट इज बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह वास्तव में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। नाउ बाय टेकिंग सरफेस इंटीग्रेशन ऑन आइदर साइड, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड में हमने पृष्ठ समाकलन ले लिया है। सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डीएस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन डेल बाय डेल टी ऑफ बी डॉट डीएस। बट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक के प्रमेय के अनुसार वी कैन चेंज सरफेस इंटीग्रेशन इनटू लाइन इंटीग्रेशन। हम पृष्ठ समाकलन को रेखीय समाकलन में चेंज कर सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डीएस को हमने लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल लिखा है, तो यहां पर इसको लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल लिख दो। सो लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। अब ये इक्वेशन क्या दिखाती है, द टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जेनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समय परिवर्तित चुंबकीय प्रेरण विद्युत क्षेत्र जनित करता है। सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक इंडक्शन जेनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। समय परिवर्तित चुंबकीय प्रेरण हमारा विद्युत क्षेत्र जनित करता है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस बाउंड बाय द पाथ। क्योंकि बी डॉट डीएस मैग्नेटिक फ्लक्स था, चुंबकीय फ्लक्स था, एंड लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या विद्युत वाहक बल है, जिसको हम स्मॉल ई लिखते हैं। सो किसी बंद पथ के अनुदेश विद्युत वाहक बल का मान उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के समय परिवर्तित
मान के बराबर होता है। सो इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, जो कि हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ था या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था। नाउ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, जो कि हमारा डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी है। हियर जे इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, यहां जे चालन धारा घनत्व है। एंड डेल डी बाई डेल टी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। डेल डी बाई डेल टी विस्थापन धारा घनत्व है। नाउ दोनों साइड में हमने सरफेस इंटीग्रेशन ले लिया है। सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच डॉट डीएस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे प्लस डेल डी बाई डेल टी डॉट डीएस। By using Stokes theorem, surface integration del cross H dot ds is equal to line integration H dot dl. तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं। So line integration H dot dl is equal to surface integration J plus del d by del t dot ds. Now, E dot dl हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल था। इट मीन्स H dot dl विल बी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल होगा। क्या? H dot dl द मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। तो किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबक वाहक बल का मान उस बंद पथ से परिबद्ध कुल क्षेत्रफल में स्थित चालन धारा तथा समय परिवर्तित विद्युत विस्थापन सदिश के योग के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो हमने क्या किया है? कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये चालन धारा घनत्व, एंड डेल डी बाई डेल टी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव, विद्युत विस्थापन सदिश का समय परिवर्तित मान, इन दोनों को हमने ऐड किया है और फिर उसका सरफेस इंटीग्रेशन लिया है, पृष्ठ समाकलन लिया है। और ये जो मान है ये हमारा किसी बंद पथ के अनुदेश चुंबकीय वाहक बल के बराबर होता है। सो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे प्लस डेल डी बाई डेल टी डॉट डी एस। दिस इज द रीस्टेटमेंट ऑफ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, या वास्तव में एम्पियर के नियम के संशोधित रूप का नया कथन है। यह रीस्टेटमेंट है, पुनर्कथन है। सो एम्पियर के नियम के संशोधित रूप का पुनर्कथन हमारा वास्तव में यह समीकरण है, जिसको हमने यहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं।
यहां पर हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन जो कि वैक्यूम में एंड मीडियम में दोनों में ली है, साथ में हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी चर्चा की है। सो गुड बाय।